नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल चौधरी ब्रदर्स पर। और आज हम सीखने वाले हैं एवरग्रीन हिट सॉन्ग कोई सहरी बाबू दिल लहरी बाबू, आशा जी द्वारा गाया हुआ, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का म्यूजिक और लोफर मूवी से ये सॉन्ग है। और ये ऐसा एवरग्रीन हिट सॉन्ग है कि हर कोई संगीत प्रेमी इस सॉन्ग को सुनता है। तो आज इसी सॉन्ग का हम लेसन करेंगे विद नोटेशन, विद म्यूजिक पार्ट। हमारे व्यूवर की फरमाइश पर इस सॉन्ग को आज हम सीखेंगे बजाना आसान तरीके से। तो आइएगा, अगर आप भी इस सॉन्ग को अच्छे से प्ले करना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक दीजिएगा, अपना प्यार अपना सपोर्ट बनाए रखें। आइए करेंगे लेसन शुरू। और लेसन शुरू करने से पहले बस यही रिक्वेस्ट आपसे करते हैं। और हाँ दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइएगा देखते हैं लेसन। और इसका जो हमने स्केल रखा है वो एफ शार्प रखा है, ठीक है। तीसरा ताला ये हमारा स्केल है, एफ शार्प माइनर इसका कॉर्ड है। और मैं आपको बताता चलूं कि जो इसका ओरिजिनल स्केल है वो ए माइनर है, ये स्केल है, ठीक है। तो अब यहां से बिगिनर तो नहीं बजा पाएंगे, टोटल वाइट कीज इसमें यूज होंगी, तो इसलिए हमने इसका एफ शार्प स्केल किया है लेसन के लिए। तो आइएगा इस स्केल से देखते हैं कौन कौन से स्वर इसमें यूज होंगे। तो सा रे और दोनों गा का इसमें यूज होगा, स्थाई में आपका कोमल गा रहेगा और अंतरे में आपका शुद्ध गा और कोमल गा दोनों यूज होंगे, ठीक है। मा पा कोमल धा नी सा, ठीक है। मंत्र सप्तक की आप बात कर लें तो कोमल नी और आपका पा, ये स्वर इसमें मंत्र सप्तक में यूज होंगे, ठीक है। अब देखिएगा म्यूजिक पार्ट इसके बहुत अच्छे पार्ट हैं। तो सबसे पहले स्टार्टिंग जो म्यूजिक से होती है वो देखेंगे। तो जो स्टार्टिंग का पार्ट है वो मैंडोलियन से आता है, प्लक पार्ट, और वो है देखिएगा। पहले ये पार्ट है इतना, ठीक है। एक बार फिर से देखिए, ये पार्ट है, ठीक है। स्लो में बता दूं, नी सा रे सा रे गा, नी सा रे रे गा नी सा, इतना है, ठीक है। तो अब इसके बाद फिर हारमोनियम का पार्ट शुरू होता है। अब जो हारमोनियम का वो फिलर की तरह एक मतलब पार्ट यूज हुआ है, और वो पार्ट है, ये पार्ट है, ठीक है। अब ये ऊपर का सा पा गा और सा, ये नोट है इसमें जो यूज हुए हैं। अभी पहले सा पा गा सा, पहले सा सिंगल, फिर पा गा सा, फिर सा डबल, सा डबल सा पा गा सा, फिर ट्रिपल सा और फिर पा गा सा, इस तरह से ही पढ़ेगा आपका। ये हुआ। और इसके बाद फिर चौथा इसमें क्लू है, ये है सा गा गा मा मा पा, फिर ऊपर का सा, ठीक है। सा गा गा मा मा पा सा, ये हारमोनियम का पार्ट है, ठीक है। अब इसके बाद आपका फिर शहनाई का पार्ट आता है। अब जो शहनाई का पार्ट है वो देखिएगा, ये पार्ट है, दो बार बजा है पार्ट, स्लो में देखिएगा। सा गा मा पा मा गा सा नी रे,
ये पार्ट है शहनाई का। अब उसके बाद फिर प्लक पार्ट आता है सा पर, केवल सा, 8 बार सा आएगा, 8 बार सा आएगा, सा 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 सा, ठीक है। और उसके बाद फिर यहां से आपका गाना शुरू होगा, ठीक है। तो ये इतना म्यूजिक पार्ट जो था वो इंट्रो म्यूजिक पार्ट था। अब इसके बाद कोई सहरी बाबू दिल लहरी बाबू हरे रे पग बाहर गया घुंघरू मैं चम चम नच दे फिरा। ये स्थाई है, ठीक है। अब स्लो में देखिए फिर इसका नोटेशन बताता हूँ। कोई सहरी बाबू दिल लहरी बाबू हरे रे। अब पहले इतना समझ लीजिए, कोई सहरी बाबू दिल लहरी बाबू हरे रे। नोटेशन है सा नी नी सा सा गा रे सा। कोई सहरी बाबू सा नी नी सा सा गा रे सा। कोई सहरी बाबू दूसरा दिल लहरी बाबू, एक ही नोटेशन रहेगी दोनों लाइनों पर, ठीक है। अब उसके बाद दिल लहरी बाबू हरे रे हरे रे सा नी नी सा रे हरे रे, ठीक है। उसके बाद पग बांध गया घुंघरू पग बांध गया घुंघरू रे नी नी पग बांध गया घुंघरू रे नी नी सा गा रे सा 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 नी, ठीक है। मैं चम चम नच दी फिरा नी नी सा रे सा 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 मैं चम चम नच दी फिरा नी नी सा रे सा 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 सा, ठीक है। ये स्थाई का फर्स्ट पोर्शन हुआ। अब इसके बाद जो सेकंड पोर्शन है, मैं तो चलो होले होले फिर भी मन डोले हाय मेरे रब मैं की करा मैं चम चम नच दे फिरा। ये आपका ये पोर्शन आएगा। अब देखिएगा इसमें जो फर्स्ट पोर्शन इसका, मैं तो चलो होले होले मैं तो चलूं होले होले सा 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 पा 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 मैं तो चलूं होले होले सा 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 पा 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 फिर भी मन डोले दा पा पा मा 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 फिर भी मन डोले, ठीक है। उसके बाद हाय मेरे रब मैं की करा हाय मेरे रब हाय मेरे रब मा 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 गा 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 हाय मेरे रब मा 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 गा 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 मैं की करा मैं की करा रे सारे गा रे सारे गा। फिर ये इस तरह से, ठीक है। मैं चम चम नच दी फिरा, उसके बाद फिर ये लाइन आ जाएगी, मैं चम चम नच दी फिरा आपका हुआ स्थाई कंप्लीट। अब इसके बाद देखिएगा जो इसका म्यूजिक पार्ट है वो पहले स्ट्रिंग का पार्ट है और वो पार्ट है मैं
पहले इतना पार्ट है, स्ट्रिंग्स है। अब स्लो में देखिएगा, ये है सागा सागा, स्लो में सागा सागा गा सा पा सागा सागा सा गा सा पा, इतना पोर्शन है एक बार में। सागा सागा गा सा पा सागा सा गा सा पा, इतना है। इतना पोर्शन है ये, और ये दो बार बजेगा, ठीक है। इतना पोर्शन ही दो बार आएगा, इसके बाद फिर ये नेक्स्ट पार्ट है, गा सा गा सा गा सा गा सा गा सा गा सा, चार बार गा सा गा सा गा सा गा सा पा गा गा सा सा नी सा पा। गा सा गा सा गा सा गा सा पा गा गा सा सा नी सा पा, ठीक है। अब इसके बाद फिर जो नेक्स्ट पार्ट है वो, फिर इतना ही है ये, मा 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 रे रे सा सा नी नी, मा 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 रे रे सा सा नी नी, मा 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 रे रे सा सा नी नी, ठीक है। उसके बाद नी सा रे 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 सा, इतना म्यूजिक पार्ट हुआ। इसके बाद फिर अंतरा, अब अंतरा देखिएगा, पन घट पे मैं काम जाने लगे, नट घट से मैं शर्माने लगी, में यहां पर शुद्ध गा आपका यूज हुआ है। अब तक कोमल गा चल रहा था, अब शुद्ध गा यूज हुआ है। पन घट पे मैं कम सारे गमा गा गा जाने लगे जाने लगे, गामा पमा गमा गा रे सा जाने लगे, गामा पमा गमा गा रे सा जाने लगे, नट खट से मैं नट खट से मैं सारे सा नी रे, नट खट से मैं शर्माने लगी, शर्मा शर्माने लगे शर्माने लगे, गामा समगारे ससा गामा समगारे ससा, अब यहाँ पर कोमल का यूज हुआ है, शर्माने लगे गामा समगारे ससा। उसके बाद धड़कन से मैं घबराने लगे, दर्पण से मैं कतराने लगी, ठीक है। ये दोनों बिल्कुल लाइनें सब एक ही नोटेशन पर रहेगी, सेम, ठीक है। उसके बाद मन खाए हिचकोले से जैसे नैया डोले, हाय मेरे रब्बा मैं की करा, मैं चल चल नचद फिरा। अब ये जो ऊपर वाली लाइन है, ये आपने स्थाई में जो सेकंड लाइन बजाई है उस तरह से सेम ये लाइन आएगी,
और इस गाने को आप अच्छे से प्ले कर पाएंगे। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये कोशिश आपको पसंद आई होगी। कीजिए आप इसकी प्रैक्टिस। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग।